यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं इस वक्त जो है एक पटरी के बीच में खड़ा हूँ, लेकिन ये हकीकत है 1999 के बाद इस पटरी से कोई भी ट्रेन ना आई है ना गई है। देखो, यहाँ से रेलवे का स्टाफ बैठकर जो है अपनी मंजिलें और अपने रास्ते तय करता था, और अहम बात यह है कि एकदम से अचानक ही कुछ ऐसे हालात पैदा हुए और यहाँ पर जो तमाम चीज़ें थी उसको लेकर प्रशासन ने जो है तमाम जो घर बने हुए थे वो तोड़ना शुरू कर दिए। दो दिन से लगातार काम चल रहा है। ये मैं नज़ारा इधर का पीछे का दिखाना चाहता हूँ। इधर का नज़ारा आप अगर देखें तो ये कुछ घर जो हैं ये लगभग टूट चुके हैं। शासन पर ये आरोप है लोगों का कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये अवैध नहीं बनाए थे, लेकिन प्रशासन का कहना है क्योंकि ये रेलवे की पूरी जगह है और आप देख भी सकते हैं पूरी जो पटरियाँ भी हैं आसपास। मैं चाहता हूँ यहाँ की पटरी को दूर तरफ का दोनों तरफ का नज़ारा दिखाया जाए, फिर मैं जो मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी आँखों से इस मंजर को देखा। यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसे रेलवे मार्गोदान के नाम से जाना जाता है, और बहुत दूर दूर से यहाँ लकड़ी और अन्य माल की ढुलाई होती है। यहाँ गोडाउन था रेलवे का जो सुबह को स्टाफ को ले जाती थी और बाद में शाम को छोड़ जाती थी। ये सिलसिला लगभग 2000 के आसपास चला, उसके बाद ये बंद हो गया और तब से ये ट्रेन पता ये चला कि रेलवे ने इसको निष्प्रयोज घोषित कर दिया और तो IRLDA जो रेलवे की संस्था है, जैसा कि समाचार माध्यमों से जानकारी मिलती है, उसको सौंप दिया और वही संस्था इस पर जो भी विकास संबंधी कार्य कराना चाहते हैं। तो रेलवे का ये कहना है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो जिला प्रशासन ठीक तहत ही कर रहे हैं रेलवे की अगुवाई में जिला प्रशासन के सहयोग से। हाँ, हमने स्थानीय जो अखबार है उनमें पढ़ा भी है, पूरा एक नक्शा जो है वो करीब 50 साल से पुराना नक्शा जो होता है नक्शा, उसमें सब चीज़ें जिक्र किया हुआ है, कितनी रेल चलती थी, कितना एरिया मजबूत है। उसके बाद जो है 20 साल पहले से हालात बदले हुए, लोगों ने घर बनाए थे। जब ये ट्रेन चलती थी रेलवे के साथ की भी आवाजाही यहाँ होती रहती थी, बाकायदा ट्रैकमैन ट्रैक के लिए चेक करने आते थे और भी लोग आते रहते थे। यहाँ माल गोदाम में माल रहता था तो बाबू और अन्य स्टाफ भी यहाँ आता रहता था। ये विकास कार्य के लिए ये जो पूरी जगह है तो इस टाइम करीब 20 साल से भी लंबा अर्सा हो चुका है पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुए थे, लेकिन भी उसी का इस्तेमाल की वजह से सारा जो पूरे एरिया है, मैं एक बार चाहता हूँ सब नज़ारा दिखाया जाए। ये पटरी है, हम लोगों से भी बात करेंगे जो घर हैं टूट गए हैं और जो आगे भी जो कार्रवाई है उसको लेकर। अभी करीब 20 साल के बाद यहाँ पर जो है तमाम विकास कार्य को लेकर रेलवे विभाग ने अपनी जो है जो जगह है उसकी दोबारा से मांग की शुरू कर दी। उसी के तहत जो है तमाम जो घर हैं और जो तमाम चीज़ें हैं वो तोड़ी जा रही, जो भी उनको अवैध लगता है। ज़रूरी ये है क्योंकि सरकारी चीज़ें जब होती हैं तो उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये गोदाम है, आप देखें यहाँ पर एक तो उन्होंने रेड कलर से निशान लगा दिया है, उसका लिखा है 1 फिट, यानी 1 फिट ये हिस्सा पूरा जो है तोड़ा जाएगा। विभाग का ये कहना है कि ये 1 फिट पड़ा हुआ, उसी तरह से सामने की तरफ भी है 1 फिट तोड़ने की बात हो रही है। अच्छा। आप देखिए, छोड़ देते हैं तो ठीक है कुछ नहीं, कोना है केवल जरा सा। अच्छा, बाकी तो आगे जगह फालतू है। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ घर को तोड़ रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, तो क्या मतलब वो मानते हैं ये अवैध कब्जा करें? उनको बता दिया गया ना कि ये जो अवैध है तो वो उन्होंने अपना मोहलत लेके कह दिया कि अपने आप तोड़ लेंगे। तोड़ना 4 फिट है, टूट जाएगा 8 फिट, तो इसलिए वो अपने आप डैमर चलवा के तोड़ रहे हैं। आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ देखी 20 साल? यहाँ रेल चलती हुई देखी थी हमने। हाँ, माल आता था, लकड़ी आती थी यहाँ पर, हमारा मकान भी आगे है। अच्छा, हाँ, उस पर तो कोई इस तरह की बात नहीं है उसमें, हमें नहीं मालूम, हमें नक्शा मांगा, नक्शा नहीं दिखाया गया, उन्होंने पुराना नक्शा। हाँ। उस साइड में 75 फुट बता रहे हैं, आप कह रहे हैं 85 फुट है। हाँ। हमारा आधा मकान को कह रहे हैं सिर्फ 4 फिट है, ऐसे करके छिछा काटो, मकान बिल्कुल सीधा बना हुआ है। हाँ, वो कह रहे हैं बीच में से 1 फुट यहाँ से काटते हुए 4 फुट निशान लगा गए, लिख गए हैं। कितना फुट है आपको कुल तोड़ने में? 1 कोना 4 फुट तोड़ना कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो ज़ाब्ती है आपके साथ? भाई उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो सही, हमने तो बना हुआ ऐसे ही लिया था। हाँ, ऐसे ही खरीदा था। उनके हिसाब से वो नक्शा दिखाया नहीं, उन्होंने कहा साहब हम ये बड़ा हुआ आपको तोड़ना पड़ेगा, हमने साफ निशान लगा दीजिए। अच्छा अच्छा, और बहुत अच्छी बात भी कही इन्होंने कि सरकार की जो चीज़ें हैं ये भी है, क्योंकि नक्शे के हिसाब से सारी चीज़ें हैं, कभी अगर खरीदा होगा और उसमें कुछ बड़ा हुआ हिस्सा जो सरकार को लगता है, जो स्थानीय प्रशासन को लगता है, खासतौर से रेलवे विभाग को लगता है, वो तोड़ने की है। कब उसकी डेट आपको दी? हमें कोई डेट नहीं दी सर,
कोई डेट नहीं दे रहे हैं, ऐसी निशान लगा के नापते नापते चल रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं करेंगे हमें कुछ पता नहीं। और कितने घर लगते हैं आपको ऐसे होंगे? वो उधर सिर्फ दो तीन घर हैं उस साइड में। अब मैंने इधर देखा तो इधर यहाँ पे भी लगा दिया गया है, जबकि यहाँ पे खंभा वो सामने लगा हुआ है जी, वो देखिए वो रेलवे का खंभा लगा हुआ है, निशान वहाँ लगा हुआ है, वो सही है। अब इसकी नाप से जैसे रेल ट्रेन की ऐसे अगर घूमी है थोड़ा सा अगर फर्क हो गया है तो यहाँ पर एक फुट का फर्क दिखा दिया उन्होंने। अगर उन्होंने एक फुट पर यहाँ धोखे से भी जेसीबी लगा दी तो ये पूरा गिर जाएगा। मैं लिंटर के और पूरा ऊपर पुराना भी हो चुका है। उसे क्या काम है आपका यहाँ गोदाम का? हमारा खाली टीनों का काम होता है, टीनों की धुलाई वगैरह। आप भी कुछ बोल रहे थे, बताएं भैया। एक फुट की जरूरत है, मतलब एक फुट सामने थोड़ा सामने एक फुट के लिए निशान लगा दिया है। हाँ, एक फुट तोड़ना चाहेंगे तो एक फुट नहीं टूटेगा, वो पूरा मकान ही। हाँ, एक फुट तोड़ ही नहीं सकते, मकान बनते ही इस तरह से कि अगर थोड़ा सा ऐसा टूटे तो पूरा आ जाता है, पूरा आ जाएगा। इनके दिल की जो धड़कन है वो हर मिनट हर पल को बढ़ा रही है कि किस पल जो है वो पल आ जाएगा, एक फुट टूटेगा। लेकिन अहम बात यह, जब एक फुट टूटेगा तो पूरा घर जो है जमींदोज हो जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा। तमाम चीज़ें उसको लेकर तमाम कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक रोष भी है कि अगर रेलवे कोई इंतज़ाम इस तरह से करे कि एक फुट अगर बच जाए, जैसे एक बरसात सर भी मौजूद थे वो भी अपनी बात कह रहे थे कि लिखी पड़ी चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ बढ़ी हुई है अवैध कब्जा है उसको तो तोड़ा ही जाएगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ।